प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 7th of December 2023 थर्सडे एंड मैं आपका दोस्त आशीष। डॉलर इंडेक्स अभी जो है 104.10 लेवल पे। अगर हम वीकली चार्ट में देखेंगे, ये जो आपका जुलाई अक्टूबर का एडवांसमेंट था, उस एडवांसमेंट का 61.8% रिट्रेसमेंट में एक पिन बार बनाया हुआ है एंड करंट वीक में एक बुलिश कंफर्मेशन। सो सम सॉर्ट ऑफ मॉर्निंग स्टार एट ए क्रूशियल सपोर्ट लेवल। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा पॉजिटिव बायस डॉलर इंडेक्स में हम देख सकते हैं। अगर डेली चार्ट में हम देखेंगे तो डेली चार्ट में आप देखोगे 29 नवंबर ऑनवर्ड्स एक पुलबैक देख रहे हैं। 1 दिसंबर को एक हल्का सा नेगेटिव कैंडल देखा गया था, लेकिन 4th एंड 5th को उस नेगेटिव कैंडल के हाई के ऊपर चला गया है। तो ये जो जुलाई अक्टूबर एडवांसमेंट का 61.8% रिट्रेसमेंट में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पैटर्न्स का फॉर्मेशन, दिस शोज देयर मे बी सम अप मूव इन डॉलर इंडेक्स। जो हमारा प्रोबेबल रेजिस्टेंस हो सकते हैं वो है 105 एरिया पे एंड देन आपका 106 एरिया पे। दीज आर द टू प्रोबेबल लेवल्स। डॉलर रुपी नथिंग न्यू, साइडवेज कंसोलिडेशन एंड कुछ बोलने लायक है नहीं। मींस यहाँ पे जब तक एक्चुअली क्या है ना, जब जब आप रेंज बाउंड मूव देखोगे एंड ये जो रेंज बाउंड मूव इज बियॉन्ड योर एनालिसिस तो फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये रेंज बाउंड में रहेगा, सो यू आर वेल प्रिपेयर्ड अबाउट द मूवमेंट। बट यहाँ पे डॉलर इंडेक्स एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, डॉलर येन, यूरो डॉलर, जीबीपी डॉलर, सीएमएच, ऑल करेंसी पेयर्स एक दिशा से दूसरी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन डॉलर रुपए का दिशा भी चेंज नहीं हो रहा है और दशा भी चेंज नहीं हो रहा है। सो फ्रस्ट्रेशंस होना तो लाजमी है। सो यहाँ पे क्या है, कुछ कर नहीं सकते। कहने का मतलब ये कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? नो, वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज हमारा जो प्रेजेंस है मिनिस्क्यूल है। मींस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में भी अगर देखेंगे तो शायद हमारा जो अस्तित्व है, प्रेजेंस है इन द मार्केट कुछ भी नहीं है। सो हमें तो मार्केट को इसीलिए सलाम ठोकना पड़ेगा। सो जो होता है मार्केट करते हैं, दैट इज राइट, उसी को कंसीडर करके हम इंतजार करना पड़ेगा डॉलर रुपी का ये रेंज मूवमेंट के लिए, जब तक ये परसेप्शंस चेंज नहीं होते हैं। अभी आते हैं आपका जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर का वीकली जो जुलाई अक्टूबर का डिक्लाइन है, डिक्लाइन का 61.8% में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल, जबरदस्त, अलोंग विथ आरएसआई रेजिस्टेंस एट 60, सोने पे सुहागा। यानी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को हमें देखना था कि पहले रेजिस्टेंस लेते हैं या नहीं। अभी ये रेजिस्टेंस कंफर्म हो चुका है। अगर हम डेली प्राइस एक्शंस में देखेंगे, यहाँ पे ये जो 1st दिसंबर का ग्रीन कैंडल का लो बिकम्स क्रूशियल फॉर द सेलर्स। जब तक इसके लो के नीचे क्लोज नहीं देता है एज पर द प्राइस एक्शंस, तो तब तक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं होगा। अभी पिछले 2-3 दिनों में इसके लो के नीचे मूव कर रहा है। नाउ जो क्वेश्चन है, ये जो सेलिंग कितना दूर, कितना नीचे तक जाएगा, ये हमें भी पता नहीं है। तो ये जो सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड, दैट इज द 20 पीरियड मूविंग एवरेज, पहला
ये टारगेट है, क्या प्राइस यहाँ पे रेस्पेक्ट करते हैं या उसको भी ब्रेक डाउन करके नीचे के तरफ आते हैं। अगर फर्दर नीचे के तरफ आते हैं तो 1.2370 से 1.2420 ये इज दिस इज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट। सो देखना पड़ेगा प्राइस एक्शंस को, क्या ये कंटिन्यू करते हैं या रिवर्सल लेते हैं एट द सेंटीमेंट। तब तक सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर, जीबीपी आईएनआर सिमिलरली, ये 61.8 नहीं है, ये 78.2% रिट्रेसमेंट में नेगेटिव एंड रेजिस्टेंस एट 60। पहले लग नहीं रहा था, अभी लग रहा है। सो यहाँ पे डेली में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा जो प्रीवियस डिस्कशन था, तो 1 December का जो कैंडल है इट इज क्रूशियल नीचे की तरफ। आप अगर वीकली एनालिसिस मेरा देखोगे वहां पे हमने 3 प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात किए थे, एक कंसोलिडेशन साइडवेज कंसोलिडेशन, दूसरा ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा, तीसरा नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट। क्या ये कुछ नया चीज है? नया कुछ नहीं। अब बोलेगा आशीष सबको पता है, आइदर कंसोलिडेट करेगा ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तीन ही जगह है। तो क्या नया है? क्या नया ये है कि पुलिश मूव में अगर कॉन्ट्रा इन एनालिसिस करना है तो उसका एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, दैट इज द 1 December का लो। 1 December के लो के नीचे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आना चाहिए और वही हो रहा है। सो दैट बीइंग द केस, व्हाट इज द immediate support? Immediate support is same center band of the Bollinger band, which is nothing but the 20 period moving average. यहाँ पे क्या price respect करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश center band 20 period moving average को respect नहीं करते हैं, in such a case this zone, कौन सा zone है ये आपका 103 से 103.35, this is going to act as the major support. तो आइए देखते हैं प्राइस आने वाले दिनों में क्या करते हैं। यूरो डॉलर में भी वीकली में नेगेटिव था, मींस पिछले हफ्ते क्या जो वीकली एनालिसिस वहां पे देखो, मींस वी आर नेगेटिव अबाउट द यूरो डॉलर, पर जीबीपी डॉलर में नेगेटिव था नहीं, वेट एंड वॉच था। एंड यहाँ पे अच्छा खासा ये था नीचे की तरफ, यहाँ पे एक जो हमारा टारगेट है वो 1.0750 का एंड वहीं पे आके करा है। अभी देखना कि यहाँ पे रेस्पेक्ट करते हैं या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट इज योर यूरो आईएनआर, ये नेगेटिव कैंडल बट ये 61.8% नहीं है, हायर लेवल पे है, अच्छा खासा नेगेटिविटी दिख रहे हैं। अभी हमें देखना है हमारा जो यूरो आईएनआर का एम पैटर्न का टारगेट है उसके हिसाब से ये 89 का टारगेट है, क्या यहाँ पे आते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। एंड आपका जो आरएसआई डेली 640 में आने के बाद क्या ये रेस्पेक्ट करता है वो भी हमें देखना पड़ेगा। एंड डॉलर येन में नीचे आना चाहिए, लेकिन ये जो आप देखोगे ना वीकली का ट्रेंड लाइन सपोर्ट, यहाँ पर भी आप देखोगे जुलाई में भी काफी नखरा किया था, नखरा का मतलब मैं नीचे जाऊं रोही करते करते ऊपर भाग गया, अभी भी सेम वही ट्रेंड लाइन सपोर्ट के सामने आके रुका है एंड नखरा दिखा रहा है, मैं नीचे जाऊं या ना जाऊं, अरे बाबा जाना है तो जाओ नहीं तो ऊपर जाओ, एक जगह पे खड़े मत रहो, क्योंकि एज अ फॉरेक्स ट्रेडर मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेडर्स मेक मनी, वेदर इट इज अ बुलिश ट्रेंड और ए बेयरिश ट्रेंड, लेकिन साइडवेज में थोड़ा सा बैंड बन जाते हैं, तो बाबा साइडवेज मत हो। लेकिन डेली में अगर हम प्राइस एक्शंस देखेंगे तो कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे दो आप देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन हमने एक यहाँ पे 146.25-40 में एंड ऊपर की तरफ ये आपका 148.35 इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंट? इसके लो के नीचे अगर क्लोज देते हैं तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा ट्रेंड लाइन सपोर्ट का एंड डॉलर ये काफी नीचे आने के लिए हायर प्रोबेबिलिटीज। एंड ये ऊपर की तरफ जो 148.30-50 का है रेजिस्टेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज देगा, क्यों
ऊपर हो सकता है, इंपॉर्टेंट है इसके लिए है कि भी ये जो लोअर है लोअर लो है उसको निगेट करेगा। में भी अच्छा बुलिशनेस के बाद अभी एक पॉज है, पॉज के यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये लाइन है जो आपका इसके हाई के ऊपर एक पॉजिटिव कंटिन्यूएशन हम देख सकते हैं, एंड सिमिलरली इसके लो के नीचे एक हमें डाउनवर्ड बायस एक्सपेक्ट कर सकते डॉलर के लिए 1.36। ये आपका थोड़ा सा पुल बैक किया है फ्रॉम द लो, एंड ये प्रीवियस जो सपोर्ट था उसके ऊपर जाके क्लोज दिया। डेली आरएसआई अगर देखो कि बिलो 40 से अबो 40 गया है, सो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे थोड़ा सा कलर टेक्सचर के कलर ट्रेंड के कलर चेंज होने का प्रोबेबिलिटीज है। डॉलर $80 में ये हमारा यहाँ पे आने के बाद एक्चुअली हमारा टारगेट ये था 6720 एंड 6780 से 68 यहाँ पे, लेकिन नीचे आ रहा है। तो अभी हमें देखना है ये सपोर्ट लेवल, ये जो सपोर्ट लेवल है क्या यहाँ पे सपोर्ट लेवल है रेस्पेक्ट करेगा आने वाले दिनों में या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। CNH 1.7.160 ये कंसोलिडेशन कौन सा लेवल पे, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट करके बाउंस बैक कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर रहा था, कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है। दैट मींस CNH यहाँ इस लेवल से डिप्रिशिएट होने के लिए हायर प्रोबेबिलिटीज है। अभी आते हैं आपका ब्रेंट क्रूड फ्यूचर, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर जो कल के दिन एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल दिया हुआ है, बहुत जबरदस्त। आप अगर यहाँ पे देखोगे मेरा जो इंपॉर्टेंट लेवल्स था सपोर्ट लेवल्स मिस टारगेट के हिसाब से, अभी व्हाट इज माय टारगेट, नेक्स्ट टारगेट इज 72 से 73 के बीच में सपोर्ट जोन है। मींस दिस इज नॉट फॉर ट्रेडिंग कॉल, दिस इज फॉर एन आइडिया और पर्सपेक्टिव अबाउट मार्केट। सो ये हो गया ब्रेंट क्रूड का। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल ऑफ टेक्स कर सकते हैं। यूएस 10 ट्रेजरी 4.12 क्या जबरदस्त लेवल कहाँ पे वो भी देख लें। ये सपोर्ट लेवल पे आके अभी देखो एक छोटू सा ग्रीन कैंडल, क्योंकि इट्स द स्टार्ट ऑफ द डे, क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेस्पेक्ट करता है या फर्दर ब्रेक डाउन करता है यूएस टू ईयर ट्रेजरी थोड़ा सा ये जो सपोर्ट के नीचे ब्रेक डाउन किया, लेकिन उसके बाद फॉलो थ्रो नहीं मार रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बना रहे हैं। इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद कंसोलिडेशन करने एक बार अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है तो और फर्दर रैली होगा, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है कल का एनएफपी डेटा। एनएफपी डेटा विल फर्दर क्लेरिफाई रेट कट रेट पॉज मार्च में रेट कट मई में रेट कट जून में रेट कट, ये प्रोबेबिलिटीज बाजार सट्टा बाजार गर्म है। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना है, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको डेफिनेटली अच्छा लगा, लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए सो दैट अदर्स आल्सो कैन गेट बेनिफिट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।